गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है एक महत्वपूर्ण सूचना को लेकर, और वो महत्वपूर्ण सूचना है डीएलएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं और जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं वो अपनी सैद्धांतिक परीक्षाएँ जो शिक्षा विभागीय राजस्थान बीकानेर द्वारा कराई जाती हैं, वो उसके बाद में प्रैक्टिकल कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो उनके प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। तो बीकानेर से जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है उस पत्र के आधार पर हमारे पास कुछ निश्चित डेट्स आई हैं। देखिए, आप अभी स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के मध्य क्रियात्मक परीक्षा संपन्न करवाई जानी है, ऐसी सूचना हमें बीकानेर के माध्यम से प्राप्त हुई है। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जब हमारे पास डेट्स आ गई हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम है उसमें हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम वर्ष। जो डीएलएड प्रथम वर्ष का विद्यार्थी है उनको अपना वाइवा देना है। अब वो वाइवा किस प्रकार होगा, वाइवा में आप कैसे तैयारी करेंगे, स्थानीय महाविद्यालय के द्वारा आपको तीन कार्य करवाए गए हैं, तीनों के लिए आपके पास अलग अलग डायरी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केस स्टडी की। केस स्टडी किस पर की गई है, असाधारण व्यक्ति पर, असाधारण अब नॉर्मल बच्चे पर, स्पेसिफिक चाइल्ड पर, झूठ बोलने वाले पर, गृह कार्य करने वाले पर, मानसिक रूप से विक्षिप्त पर, पिछड़ेपन पर, शैक्षिक पिछड़ेपन पर, मंद गति वाला, स्लो लर्नर। अब आप ये देखेंगे वो आपसे यही पूछते हैं कि केस स्टडी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आपने केस स्टडी का प्रयोग कहाँ किया, क्यों किया, किस बालक पर किया, उसकी केस हिस्ट्री क्या थी। ये इसका जो वीडियो है केस स्टडी पर, थ्योरी और प्रैक्टिकल, हम पूर्व में अपलोड कर चुके हैं और कोशिश करेंगे कि एक नया वीडियो भी वाइवा के दृष्टिकोण से आपको प्रेषित कर सकें। चलिए अब बात करते हैं नंबर टू की, और नंबर टू पे आता है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में एक्शन रिसर्च बोला जाता है। तो एक्शन रिसर्च पर जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है। स्टीफन कोरे क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में क्या बताते हैं, क्यों किया जाता है, इसको करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है, आदि आदि प्रश्न आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं। हमारा स्थानीय महाविद्यालय का पूरा पूरा प्रयास रहेगा, मतलब हम 100% कोशिश करेंगे कि आपका प्रायोगिक कार्य संपन्न होने से पहले, प्रायोगिक कार्य में आपको महाविद्यालय में बुलाने से पहले आपके लिए वाइवा की एक संक्षिप्त जानकारी या क्वेश्चन ईयर वाला एक सेशन, जिस तरह से वाइवा लिया जाता है वैसे हम प्रायोजित कर दें, डाल दें। अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक विश्लेषण की। कोई सी भी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं या फिर 1ली 2री 3री 4थी किसी भी पाठ्य पुस्तक का आपको विश्लेषण पूछा जाता है। ऐसे थे कंटेंट का एनालिसिस करते हैं, ऐसे बुक का एनालिसिस करना है आपको, उसके समालोचनात्मक एनालिसिस होता है, मेरिट डिमेरिट सब होते हैं, एक टाइप से उसका इवोल्यूशन किया जाता है। ये बात हमने बात की थी अभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। आप ध्यान देंगे, आपको इन तीनों ही जो विषय हैं उन पर ध्यान रखना है, केस स्टडी पर, क्रियात्मक अनुसंधान पर, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण पर। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। डीएलएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जब हम बात करते हैं उनके प्रैक्टिकल के बारे में, तो प्रैक्टिकल में उनको दो तरह की पाठ योजना बनानी है। वाइवा तो देना ही है, आपको भी वाइवा देना है, दो तरह की पाठ योजना बनानी। कौन कौन सी पाठ योजना बनेगी, एक जो पाठ योजना आप बनाएंगे वो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। दूसरी जो पाठ योजना बनाए, मतलब वार्षिक पाठ योजना की, आपके पास दो डायरी होगी, दो प्रकार की आपको बनानी है। अब जो दूसरी वाली होगी वो 6 से 8 में से आपको विषय का प्रकरण का चयन करना है। हाँ, महाविद्यालय में जो दूरभाष नंबर आपको दिया गया है आप उसका प्रयोग करते हुए उसे माध्यम बनाकर
आप कौन सी कक्षा में कौन से विषय पर कौन से प्रकरण पर अपना वार्षिक लेसन प्लान बनाना चाहते हैं, उससे संबंधित आपने क्या मॉडल टीचिंग एड्स चार्ट अर्थात ऑडियो विजुअल एड्स कौन से बनाना चाहते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, इससे संबंधित जो भी जानकारी है आप महाविद्यालय का जो दूरभाष नंबर है उस पर आप प्रेषित कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप सुझाव ले सकते हैं कि हम इस पर क्या तैयार करें। तो आप अपने क्लास टीचर से भी संपर्क कर सकते हैं और वाइवा की तैयारी भी आप पूर्ण रखेंगे। और अगला वीडियो जो हमारा होगा, हमारी कोशिश होगी कि हम वाइवा का जो संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी होती है, जिस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा, क्या पूछा जाता है, कैसे वो शुरुआत करते हैं, किन प्रश्नों को वो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उन पर हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो अपलोड करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो महत्वपूर्ण सूचना है इसमें आपको डेट्स दिखाई दे रही होगी, 22-10-21 के बीच, 28-10-21 मतलब 22 से 28 के बीच में निर्धारित है। यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन होता है या हमें एक्सटर्नल एग्जामिनर की सूचना मिल जाती है तो हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से या सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। हाँ, आपको क्या तैयारी करनी है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी चिंतित हैं तो आप व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए वाइवा के जो टॉपिक हैं, जो प्रकरण हैं, उनका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।